डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रन ओवर जेपीओ। सो बेसिकली यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज द नीड फॉर दिस जेपीओ। ये जो जेपीओ लाया गया 2018 में, 27 अप्रैल 2018, एंड दिस जेपीओ इज साइंड बाय दिस ऑपरेटिंग ब्रांच हेड एट रेल लिलियम लेवल, देन कमर्शियल एचओडी, एचओडी ऑफ ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट, एचओडी ऑफ कमर्शियल डिपार्टमेंट, एचओडी ऑफ मैकेनिकल ब्रांच एंड एचओडी ऑफ इलेक्ट्रिकल ब्रांच। सो मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल आर लोको पायलट्स ऑपरेटिंग एसएम गार्ड, कमर्शियल एचओडी वाई बिकॉज इट इज इन्वॉल्व इन कंपनसेशन मनी मैटर। सो इस रन ओवर जेपीओ की जरूरत क्या पड़ी, जब एक्सीडेंट मैनुअल में ऑलरेडी रूल है रन ओवर केसेस को डील करने का, तो इसकी जरूरत क्या पड़ी। उसका पीछे रीजन ये है कि एज पर द इंडियन रेलवे एक्ट 1989 सेक्शन 124A, उसमें इस सेक्शन में क्या प्रोविजन है कि यदि कोई बोना फाइड पैसेंजर जो यात्रा कर रहा है, ऑथराइज्ड पैसेंजर, बोना फाइड पैसेंजर, उसकी ट्रेन से गिरकर या किसी अन्य कारण से डेथ हो गई या सीरियस इंजरी हो गई, तो डेथ के केस में 8 लाख रुपीज कंपनसेशन इज टू बी गिवन बाय द रेलवे। तो इस रूल का सम पीपल आर मिसक्रिएंट्स, दे आर मिसयूजिंग, ये लोग बहुत ज़्यादा मिसयूज कर रहे थे। उस मिसयूज को बचाने के लिए ये जेपीओ लाया गया 2018 में। तो इसका हम बताएंगे कि आप कैसे रेलवे का बोगस क्लेम जो 8 लाख रुपीज का चाहता है उसको कैसे रोक सकते हैं, और ये जेपीओ का पर्पज भी आप समझ रहे हैं कि वो जो बोगस क्लेम है, जो ऑथराइज्ड पैसेंजर है जिसको मिलना चाहिए, लेट हिम गेट, उसको मिलने देंगे, बट अनऑथराइज्ड क्लेम्स शुड बी प्रिवेंटेड। और उस प्रिवेंशन में रोल किसका है, लोको पायलट, ALP गार्ड मींस ट्रेन मैनेजर एंड आवर स्टेशन मास्टर, दे आर द बेसिक पिलर्स टू स्टॉप दिस अनऑथराइज्ड क्लेम। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, यहाँ पे कुछ लोगों को, बहुत सारे लोगों को ऐसे डाउट आया क्लास में, बात किए कि एक्सीडेंट मैनुअल का क्या रूल अब लागू नहीं होगा ये जेपीओ आने के बाद, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्सीडेंट मैनुअल के जो रूल है कि सपोज समबडी इज रन ओवर, लाइफ इज देयर, जीवित है, देन फर्स्ट एड टू बी गिवन, उसको फर्स्ट एड देना है, एंड इन द डायरेक्शन ऑफ आवर ट्रेवल वी शुड टेक हिम टू सच ए स्टेशन वेयर मेडिकल फैसिलिटी में भी अवेलेबल। यदि जीवित है व्यक्ति है, वो गलती से अपने भले ही वो ट्रेन के सामने आ गया, कुछ भी रीजन होने दो, बट जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रूल है वो क्लियर है, जो एक्सीडेंट मैनुअल में दिया है कि आप उसको फर्स्ट एड देना ही है, उसका जीवन बचाने का पूरा उपाय करना है। एंड सपोज द पर्सन हैज लॉस्ट हिज लाइफ, और यदि जीवित नहीं है, देन उसको यदि कोई वहाँ रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, देन इट शुड बी हैंडेड ओवर टू हिम आर नियरेस्ट गेट लॉज आर नियरेस्ट स्टेशन। ये जो एक्सीडेंट मैनुअल के ओल्ड रूल्स हैं, दे आर इंटैक्ट, वो रूल एकदम अपनी जगह पर है, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। इस जेपीओ का पर्पज ये है कि आप थोड़ा एक्शन, जो इम्पॉर्टेंट एक्शन है वो जरूर करना है टू प्रिवेंट द बोगस क्लेम्स, जो 8 लाख रुपए का बोगस क्लेम आता है उसको बचाने के लिए क्या करना है। सो एज पर दिस जेपीओ
सपोज एनी रन ओवर टेक्स प्लेस इन द सेक्शन, रन ओवर कोई हो गया, मे बी सुसाइड केस और बाई मिस्टेक द पर्सन केम इन फ्रंट ऑफ द ट्रेन, या रॉन्ग गलत तरह से रेलवे ट्रैक को पार कर रहे हैं, ट्रेन से कट जाते हैं, रन ओवर हो जाते, इंजर्ड हो जाते. सो लोको पायलट ही शुड नोट डाउन द लोकेशन किलोमीटर अप लाइन और डाउन लाइन, मेल और फीमेल, वाट एवर ही कैन ऑब्जर्व दैट ही शुड नोट डाउन. एंड लोको पायलट ही शुड इन्फॉर्म टू द नियरेस्ट स्टेशन मास्टर. यू कैन इन्फॉर्म ऑन वॉकी टाकी, हम वॉकी टाकी में भी इन्फॉर्म कर सकते हैं, उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है. स्टॉपिंग ट्रेन है तो बेटर वी कैन गिव मेमो, यदि स्टॉपिंग ट्रेन नहीं है तो हम वॉकी टाकी में भी बोल सकते हैं. अनदर प्रोविजन एज पर द जेपीओ, लोको पायलट बिजी है, सो असिस्टेंट लोको पायलट ऑल्सो सेम मैसेज अबाउट द लोकेशन, रन ओवर, मेल, फीमेल, अप और डाउन लाइन, दैट कैन बी गिवन बाई असिस्टेंट लोको पायलट ऑल्सो. एंड स्टेशन मास्टर हु इज रिसीविंग द मैसेज ही विल रिकॉर्ड इन ए सेपरेट रजिस्टर, उन्हें एक सेपरेट रजिस्टर में रिकॉर्ड करना चाहिए. देन गार्ड का ड्यूटी, लोको पायलट और ALP ही विल रिपीट सेम मैसेज टू गार्ड, और गार्ड कहाँ एंट्री करना चाहिए, CTR, गार्ड CTR में एंट्री करेंगे, रिकॉर्ड है. लोको पायलट हिमसेल्फ, लोको पायलट स्वयं कहाँ पे एंट्री करेंगे, लोको पायलट ही विल मेक एंट्री इन द रफ जर्नल बुक, डायरी, और इट इज कॉल्ड रफ जर्नल बुक. ओके, देन आफ्टर दैट लोको पायलट वाइल साइनिंग ऑफ, जब हम साइन ऑफ करने जाएंगे तो वहाँ लॉबी में भी एक सेपरेट रजिस्टर रखा रहेगा अनयूजुअल इंसिडेंट्स का, उसमें भी हमें सेम किलोमीटर, लोकेशन, अप्रॉक्सीमेट एज, जो भी हमें समझ में आया, उसमें कोई एग्जैक्ट लिखने का बात नहीं है, अप्रॉक्सीमेट एज, वाट एवर यू थिंक, या मेल फीमेल नहीं ऑब्जर्व कर सके वो भी लिख सकते हैं, ऑब्जर्व किया है कि मेल है कि फीमेल है, क्या है, जितना ऑब्जर्वेशन किया है वो पूरा डिटेल लिखना है इन द रजिस्टर केप्ट इन द लॉबी, एंड पुट लोको पायलट्स फुल नेम एंड डिसिग्नेशन एंड सिग्नेचर. सपोज लोको पायलट इज साइनिंग ऑफ इन अदर जोन और डिवीजन, हम अपने पेरेंट लॉबी में साइन ऑफ नहीं कर रहे हैं, दूसरा लॉबी में साइन ऑफ कर रहे हैं, तो जब वापस आएंगे पेरेंट लॉबी में, जैसे मेरा हेडक्वार्टर सपोज करो सिकंदराबाद लॉबी है, तो अगर बाहर हमने साइन ऑफ किया है तो वहाँ तो एंट्री कर दिया, जब वापस आएंगे तो अपने पेरेंट लॉबी में, सिकंदराबाद लॉबी में जो हमारा पेरेंट लॉबी है, वहाँ भी रजिस्टर में एंट्री, सेम एंट्री करना चाहिए. तो इससे क्या होता है कि सपोज एनी क्लेम इज कमिंग, तो जब क्लेम आएगा तो दैट फ्रॉम द RCT रेलवे क्लेम ट्राइब्यूनल, द नोटिस विल कम टू आवर पुलिस डिपार्टमेंट RPF, RPF विल इंक्वायर ऑन द स्टेशन, उस एरिया का जुरिस्डिक्शन के स्टेशन मास्टर को इंक्वायरी करेंगे, यस उनके पास मैसेज मिल गया तो देन दे कैन चेक द रजिस्टर इन द लॉबी, CTR ऑल्सो रिकॉर्ड इज देयर. सो ये पूरा एविडेंस रिकॉर्ड जब जज के सामने रखा जाएगा कि यस सो एंड सो डेट में जो क्लेम आया है उस डेट में हमारे लोको पायलट, गार्ड का, स्टेशन मास्टर का पूरा रिकॉर्ड है, एंट्री है कि वो आदमी अपनी गलती से ट्रेन के सामने आ गया है, ही इज नॉट ए ऑथराइज पर्सन. क्योंकि जो बोगस क्लेम करने वाले क्या करते हैं, आफ्टर रन ओवर दे विल कीप सम जनरल टिकट, फोर्स टिकट, और उसके आधार पे क्लेम करते हैं. सो दिस एफर्ट लोको ऑन द बिहाफ ऑफ लोको पायलट ALP, on the part of loco pilot ALP, guard and station masters, we can save 8 lakh rupees going in the bogus claims. So that is the basic purpose of this JPO. Otherwise, जो हमारे accident manual के rules है वो rule अपनी जगह पे है, as per situation आप जैसा duty कर रहे हैं वो तो duty हम करते रहेंगे, लेकिन ये जो bogus claim बचाने के लिए run over cases का reporting और उसको कैसा recording करना है, ये JPO के हिसाब से है. एंड आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द पॉइंट्स.
In case of any doubt, you can ask in the comment box. I will reply you. And please do like the video and subscribe to the channel if already not subscribed, and share with your friends and other WhatsApp groups. Thank you so much for watching.